पैसे के खेल के साथ लोकतंत्र समाप्त हो रहा और कैसे इस देश में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया गया है। खुल्लम खुल्ला तथाकथित धर्म संसद के नाम पे खुला आह्वान होता है, इस समुदाय के लाखों लोगों को मार दो, FIR नहीं होता, जेल नहीं जाते, कुछ नहीं होता। ये सब सत्ता के आशीर्वाद से इस समय देश को तोड़ने की कोशिश हो, और देश को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे बैठे थे। जब ऐसा, जब देश के सामने इतना बड़ा संकट, ऐसे में वो संकट का समाधान संसद से नहीं, क्योंकि संसद तो समस्या का हिस्सा बन चुकी। दुर्भाग्य से इस संकट का समाधान कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं। जब भी लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घड़ी आती तब अंततः वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम जो इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके नाम पे संविधान बना, अंततः वी द पीपल को सड़क पे आना पड़ता। और आज ये काम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा ने जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई पद यात्रा, उस पद यात्रा ने उन सवालों को उठाया जिन सवालों को छुपाने की कोशिश, बेरोजगारी का सवाल, गरीबी का सवाल, महंगाई का सवाल, देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का सवाल, इन सवालों को देश के सामने दोबारा रखा। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा ये काम कर रही, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में नफरत की राजनीति के विरुद्ध खड़ी हुई, इसलिए हम सब संगठनों ने तय किया कि हम अपने पुराने तमाम मतभेदों को बाजू में रखें आज इस यात्रा के साथ। क्योंकि अगर मेरे घर में आग लगी उस समय मुझे केवल दो ही पक्ष दिखाई देते, एक वो पक्ष जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा और एक वो पक्ष जो पानी की बाल्टी लेके दौड़ रहा। आज जो पानी की बाल्टी उठाए वो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा सखा है, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। कल उनके साथ जो भी डिफरेंसेस रहे कोई बात, आज देश बचाने का समय, इस संकल्प को लेके हम आए। भारत जोड़ो यात्रा को ठीक 2 महीने हो जाएंगे जिस दिन वो महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। इस 2 महीने में इस भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में चुप्पी को तोड़ा। जो देश में चुप्पी का माहौल था, कोई बोलता नहीं था, हर कोई डरता, गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, आर्थिक विषमता, मैं नहीं समझता कि इस देश में कहीं कोई बड़ी पार्टी का नेता किस सवाल पे बोला कि ये 2 नंबर के अडानी कहां से दुनिया के 2 नंबर के बने, जब इस देश के 97% लोगों की आय गिरी कोविड और इसके दौरान, कैसे एक व्यक्ति की आय और संपत्ति 18 गुना बढ़ गई, 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ सिर्फ 2.5 साल में बन गए अडानी। ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा उठा है, इसलिए हमें लगता है इस यात्रा ने चुप्पी को तोड़ा है, इस यात्रा ने अकेलेपन के एहसास को खत्म किया। इससे पहले हर एक को लगता था, अरे इनका मुकाबला मैं कैसे करूं, मैं तो अकेला हूं, इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, उन्हें भी लगता था, भारत जोड़ो यात्रा ने सबका हाथ, तो हम संविधान को नहीं बचा सकते। यही हमारा सबका एक कॉमन गोल है कि हम संविधान को बचाए, संविधान की जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी जो है, संविधान की जो संस्थाएं वो नहीं रहेंगे तो संविधान में कुछ आते नहीं रहेगा, कागज का टुकड़ा रहेगा। इसीलिए हम आपसी मतभेद थे, ऐसे नहीं थे कि आपसी मतभेद नहीं थे, हमारे हमारे कुछ मूल विचारधारा आपकी पार्टी के हर एक के अलग अलग है, लेकिन इस समय हमें सभी साथ आने की आवश्यकता है। म्हणूनच आज जेव्हा ही यात्रा स्वराज इंडियाच्या वजपाने काढली गेलेली आहे, अनेक कल को ये पता लग जाए कि काबा की तस्वीर लगाने से वोट मिल जाएंगे तो वो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह से बोलेंगे काबा की तस्वीर होनी चाहिए, अब ये दिक्कत हो गई। और दुर्भाग्य से जो इस वक्त देश का जो सबसे बड़ा संकट वो एड्रेस करने की बजाय वो दूसरी चीज पे है। मैंने पहले बोला था कि जब देख घर पे आग लगी तो केवल दो ही पार्टी दिखती, एक पेट्रोल की बोतल वाली
और एक पानी की बाल्टी वाली, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी होती जिसके एक हाथ में पेट्रोल की बोतल होती है, दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी, और कैलकुलेट कर रहा होता है किससे ज्यादा। बहुत बड़ा क्या चाहता है वो ज्यादा जरूरी है। चुनाव तो कराने पड़ेंगे, कोई हम ट्रांजिट क्रांति करने की तो बात नहीं कर रहे। हम जैसे रशिया में क्रांति हुई थी वैसे कोई नरेंद्र मोदी को भी कड़ी क्रांति करके तो नहीं हटा रहे, तो जनतांत्रिक तरीके से हटा रहे। जनतांत्रिक तरीके के लिए वोट और वोटों की अक्सरियत अहम होती है। तो अंतिम हमें 2024 को चुनाव का जो हथियार है, जो अवसर हमको संविधान ने दिया है, उसको तो अवलंबन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल विवेक भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ पार्टी के नेताओं को एक दिल्ली में एक जगह बैठ के गठबंधन बनाने से बात नहीं बनेगी। ऐसे गठबंधन बनते हैं, दूसरे के बनते हैं। ये इसलिए जन आंदोलन जो आज चल रहा है, भारत जोड़ो, और जो बाकी जन संस्थाएं जब मिल रही है उससे, उसे एक पब्लिक एजिटेशन का एक आंदोलन, जन आंदोलन जो जिसको कहा जाता है, वो असल में जन आंदोलन बनेगा जैसे गांधी जी ने बनाया। और कुछ हद तक हमारी मेरी सरकार के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ आप सब लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण बनाया था, जिसका अन्ना हजारे केजरीवाल साहब भी थे, आप भी थे। एक आंदोलन था, वो कुछ हद तक सफल भी रहा, स्वतंत्र भी हुआ। उससे बड़ा हमें जैसे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था, उस तरह का आंदोलन बना के इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। चुनाव उसमें एक टूल सा है, माध्यम जो जनतंत्र में देता है। योगेंद्र जी, आप भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन लाए, हिंसा करवाए, भड़काए, तो वो मेरे देश का दोस्त है कि दुश्मन? मैं इसे राष्ट्र विरोधी काम मानता हूं। मैं बिना हिचक के आपके सामने कैमरा पे बोल रहा हूं, आरएसएस ने इस देश में जो काम किया है पिछले 70 साल से, वो देशद्रोह। अगर ट्रीजन और देशद्रोह और सेडिशन का इस्तेमाल होना चाहिए ऐसे लोगों के, और इसलिए, मगर मैं एक कारण से केवल बैन के पक्ष में नहीं, और वो ये है कि किसी भी बीमारी को अगर आप बैन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वो बीमारी और फैल जाए। इनके विचार का जवाब विचार से देना होगा, सड़क पे आके इनका राजनीतिक रूप से मुकाबला करना होगा, संस्कृति से, राजनीति से, विचार से इनका मुकाबला करना होगा। केवल कानूनन बैन से मैं इस समस्या को सुलझाने के पक्ष में नहीं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। बैन कर दिया तो इनके प्रति सहानुभूति हो जाएगी, पता नहीं बेचारे क्या कर रहे थे, बैन कर दिया इनको, नहीं, इनसे सड़क पे लड़ना होगा। लड़ने का मतलब अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, विचार से। बाबा सर, एक प्रश्न है, काल संबंध भिड़े एक महिला पत्रकार ने मुझे की भारत जोड़ो की संबंध भिड़े को काय बोला, उनके पास उनके पास बीजेपी के पास ईवीएम मशीन बैलेट पेपर होगा तो वो गिर जाते हैं, लेकिन ईवीएम है तो क्या होगा? इनके बारे में क्या, इसके बारे में बहुत उलट सुलट चर्चा। आंदोलन का नेतृत्व एक ही व्यक्ति करे ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। इतिहास में हर व्यक्ति की एक भूमिका होती है, वो अपनी भूमिका निभाते हैं। इतिहास पहले रेस जैसा, एक व्यक्ति ने एक भूमिका निभाई, दूसरा व्यक्ति दूसरी भूमिका निभाई। उनके प्रति कोई अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा ही है मेरे मन, लेकिन अब इस आयु में, इस वय में वो ये आंदोलन में भी आए ऐसा मेरी अपेक्षा नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन के आनंद में होने की चांसेस हो गया, हो गया। गुजरात के हालात में सत्ता परिवर्तन, आपका प्रश्न वास्तव में इनसे बात भी करेंगे। हिमाचल में हो रहा है ये, पता नहीं हमें चला कि दोनों साथ में घोषणा क्यों नहीं, दोनों अलग अलग करने का क्या कारण था, ये चुनाव आयोग ने नहीं पता, पहले कभी नहीं होता था।